भूकंप के तेज झटकों से पश्चिमी जापान हिल गया है। बताया जा रहा है कि 7.4 तीव्रता का भूकंप आया है। जापान के अंदर बहुत भारी हैवी किस्म का अर्थक्वेक आया है, जलजला आया है, जिसका मैग्नीट्यूड तकरीबन 7.6 था। अर्थक्वेक हो गया, फ्लड हो गया, इस तरह की ये तो वो चीजें हैं जिसपे एट द स्पॉट बिल्कुल फौरन चाहिए, रेस्क्यू चाहिए। सबसे पहले जापान में मौजूद इंडियन एम्बेसी ने मदद, सबसे पहले वो पहुंचे और सबसे ज्यादा हेल्प शायद उन्होंने। आपको ना दो बंदों का चेहरा कभी नहीं भूलता जो एक मुश्किल वक्त में काम आए। तो वहाँ पे सबसे पहले जो है इंडिया ने कदम रखा और हमेशा की तरह जो है भारत जो है फिर मदद करने के लिए तैयार है, जैसे और मुल्कों की भी भारत ने मदद, और जो मुश्किल वक्त में भाग जाए। हमें अपनी मदद पहले अपने लोगों की खुद करनी चाहिए, हमारे अपने लोगों का बहुत बुरा हाल है। ठीक है, तो इंडिया ने पहल कर दी है, लोगों को रेस्क्यू किया, ना सिर्फ इंडियंस को रेस्क्यू किया बल्कि जापानीज को भी रेस्क्यू किया। दोस्ती सीखनी है तो इंडिया से सीखें, अगर इंसानियत सीखनी है तो इंडिया से सीखें। इंडियन गवर्नमेंट इस पर एक्शन ले रही है, सबसे पहले पूरी दुनिया में सबसे पहले इंडियन गवर्नमेंट ने एक्शन लेना स्टार्ट किया है। सो आई डोंट थिंक सो कि पाकिस्तान किसी भी किस्म का कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, इंटरनेट भारी मदद वहाँ भिजवाई जाएगी। भाई इंडिया के पास है ना तो वो दे रहे हैं, हमारे पास है क्या? मैं पाकिस्तान के साथ कंपेयर करना इस वक्त समझता हूँ कि पाकिस्तान doesn't qualify to be compared with India at the moment. हमारा वर्ल्ड के अंदर क्या कंट्रीब्यूशन है? आपकी कंपैरिजन इस वक्त मैं तो कहता हूँ आपकी कंपैरिजन अफगानिस्तान से भी करना अफगानिस्तान की तोहीन है। इससे पहले तुर्की में बहुत पूरे तरीके से जलजला आया था और वहाँ पर ऑपरेशन दोस्त लॉन्च किया गया था। नहीं ख्याल इस तरह की हमारे पास कोई फैसिलिटी या एबिलिटी है, सो हम ऐसी किसी भी चीज में किसी को फैसिलिटेट कर ही नहीं सकते। दोस्त है, मुश्किल में काम आया था, मैं इसके अगेंस्ट हम बिल्कुल वही इस चीज को लाजमी देखा कि हमारे मुश्किल वक्त में हमारे साथ कौन खड़ा है। जापान के अंदर बहुत भारी हैवी किस्म का अर्थक्वेक आया है, जलजला आया है, जिसका मैग्नीट्यूड तकरीबन 7.6 था। सबसे पहले जापान में मौजूद इंडियन एम्बेसी ने मदद की, इमरजेंसी कंट्रोल रूम वहां पर लगाया, लोगों को रेस्क्यू किया, ना सिर्फ इंडियंस को रेस्क्यू किया बल्कि जापानीज को भी रेस्क्यू किया। इंडियन गवर्नमेंट इस पर एक्शन ले रही है, सबसे पहले पूरी दुनिया में सबसे पहले इंडियन गवर्नमेंट ने एक्शन लेना स्टार्ट किया है। भारी मदद वहाँ भिजवाई जाएगी, वहाँ के लोगों को रेस्क्यू किया जाएगा, इमदाद भिजवाई जाएगी, बहुत सी प्रोडक्ट्स वहाँ पर भिजवाई जाएंगी जो वहाँ के मुतासरीन को हेल्प करेंगी, वहाँ के मुतासरीन के काम आएंगी। तो पाकिस्तानी अवाम की जानिब बढ़ते हैं, उनको बताते हैं कि इससे पहले तुर्की में बहुत पूरे तरीके से जलजला आया था और वहाँ पर ऑपरेशन दोस्त लॉन्च किया गया था। वहाँ के लोगों ने अपनी दुकानों पर थैंक यू दोस्त इंडिया लिखा, उनको खराज तहसीन पेश किया। अब जापान में बहुत बड़ी मदद भेजने वाला है भारत, इस बारे में पाकिस्तानी अवाम क्या कहती है, हमारा वर्ल्ड के अंदर क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है, जानेंगे लोगों से। अगर आप गवर्नमेंट लेवल पर बात कर रही हैं तो उसमें डेफिनेटली हम लेक कर रहे हैं कि इंडियन गवर्नमेंट इज़ वे बेटर देन पाकिस्तान गवर्नमेंट। उसमें डेफिनेटली हम तो खुद अपने मुल्क में जो अभी तक हमारे जो यहाँ पे सैलाब का मसला था उधर हम अपने लोगों को अभी तक पूरी तरह से अकोमोडेट नहीं कर पाए, तो डेफिनेटली इट्स अ रूट काज इन आवर गवर्नमेंट लेवल। तो मैं ये ज़रूर चाहता हूँ और हमारा इसमें गवर्नमेंट लेवल पे भी अच्छा इमेज जाए, जो गवर्नमेंट कर सकती है उसको करना चाहिए। हमारी गवर्नमेंट ने तो तब क्या किया था जब तुर्की के अंदर जलजला आया था, उन्हीं की चीजें पैक करके उधर दी थी, उन्होंने पहचान ली थी। लेकिन अगर हम भारत की बात करें, सबसे पहले उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है, उसके साथ कंपैरिजन ही नहीं बनता। वो एक बहुत बड़ा मुल्क है, बहुत बड़ी इकोनॉमी है, पीपल रिकॉग्नाइज देम, लोग उनकी इज्जत करते हैं, वो पूरी दुनिया में छाए हुए हैं। सो हम क्या है, हम किसी भी चीज में भी नहीं छाए हुए, जिनमें छाए हुए थे वो भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने खत्म कर दिए। क्या वजह है कि वो देने वालों में से हम लेने वालों में से? हमारी 70 साल की पॉलिसीज है बच्चे, और कुछ भी नहीं है। राइट, हमने 70 साल में लिया या दिया तो कभी किसी को कुछ नहीं है। सो इंडिया ने अपने मुल्क को बनाया, हमने अल्हम्दुलिल्लाह बिगाड़ा है। हमने हर शोबे में हम नीचे ही गए और इंडिया हर शोबे में ऊपर गया है। सो आई डोंट थिंक सो देयर इज अ कंपैरिजन। ठीक है ना, सो दे पीपल आर डूइंग अ लॉट, वी आर जस्ट बैगिंग। सो बैगर्स, उन्होंने जब चाइना में जलजला आया था तब उनकी भी काफी ज्यादा मदद की थी। मैं तो बता रहा हूँ कि उन्होंने हर चीज डेवलप की हुई है, हमने कुछ भी डेवलप नहीं किया हुआ। आपके तो सैलाब आता है बल्कि ये फॉग आती है, स्मॉग आती है, तो हम लोगों से मदद मांग रहे होते हैं। सो हम कैसे किसी की मदद करेंगे, आप मुझे बता दें। ठीक है ना, क्या वजह सर, तरक्की का राज क्या है कि वो दे पीपल आर सिंसियर विद देयर सॉइल, दैट्स इट। एवरीबॉडी इज सिंसियर विद देयर सॉइल, वी आर नॉट सिंसियर, नॉट इवन मी, नॉट इवन यू, नॉट आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इंडिविजुअल, आई एम टॉकिंग अबाउट एज अ होल। ठीक है ना, तो वी पीपल आर नॉट सिंसियर विद दिस कंट्री। अच्छा, ये ना जापान में जलजला आया, वर्ल्ड न्यूज़ की खबर से नशर हुई थी रिसेंटली, अभी एक घंटा डेढ़ घंटा पहले की, 7.6 उसका जो था ना शिद्दत थी,
तो वहाँ पे सबसे पहले जो है इंडिया ने कदम रखा और हमेशा की तरह जो है भारत जो है फिर मदद करने के लिए तैयार है, जैसे और मुल्कों की भी भारत ने मदद की। तो क्या कहना चाहेंगी आप इस हवाले से? जी बिल्कुल, रिसेंटली अभी 3 से 4 घंटे पहले की न्यूज़ है कि जापान में मैग्नीट्यूड 7.6 के साथ जलजला आया है, बहुत हैवी जलजला आया है। और जापान के अंदर जो भारतीय एम्बेसी है, सबसे पहले उन्होंने कदम उठाया है, उन्होंने इमरजेंसी कंट्रोल रूम बनाया है, रेस्क्यू किया है, उन्होंने कॉन्टैक्ट के लिए उन्होंने जगह बनाई है। ये बहुत बड़ी बात है कि इंडियन एम्बेसी इतनी एक्टिव है जापान के अंदर। हम अपनी एम्बेसीज की बात करते हैं तो हमारी एम्बेसीज को होश नहीं थी। फॉर एग्जांपल आपको मैं मिसाल देती हूँ, ऑस्ट्रेलिया के अंदर जब हमारी पाकिस्तानी क्रिकेट टीम एंटर हुई, हमारी पाकिस्तान की एम्बेसी को होश नहीं थी कि उनको रिसीव करना या नहीं करना। एक बंदा वहाँ उनको रिसीव करने नहीं गया था, एक ऑफिसर या एक एम्प्लॉय वहाँ पर उनको नहीं करने गया था। तो ये बहुत बड़ी बात है कि उनकी एम्बेसी इतनी ज्यादा वहाँ पर एक्टिव है। दूसरी बात ये कि उन्होंने सिर्फ इंडियंस को ही रेस्क्यू नहीं किया बल्कि उन्होंने जापानीज को भी रेस्क्यू किया है वहाँ पर। यानी इंडिया फर्स्ट पॉलिसी तो उनकी थी। जैसे रशिया और यूक्रेन की आपको पता होगा, रशिया और यूक्रेन के जब आपस में बहुत मसले मसाइल बढ़ गए थे, रशिया यूक्रेन की वॉर में भारत ने अपने इंडियंस को जिस तरीके से रेस्क्यू किया वो पूरी दुनिया को पता। और इवन आपको ये पता है कि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स ने भारत का फ्लैग लेकर वहां से उन्होंने एग्जिट मारी थी और बाद में उन्होंने थैंक यू इंडिया भी बोला था कि हमने आपका फ्लैग इस्तेमाल करते हुए वहां से एग्जिट मारी है। ये सारा ऑपरेशन जो था, ये सारा ऑपरेशन भारत ने लॉन्च किया था ताकि अपने इंडियंस की जान बचाई जा सके, साथ ही साथ पाकिस्तानी भी रेस्क्यू हो गए। अभी इंडियन गवर्नमेंट जो है वो ये प्लान कर रही है कि जापान की उन्होंने मदद करी। अगर आपको याद हो कि आज से कुछ अर्सा पहले चाइना के अंदर भी भूकंप आया था, वो भूकंप बोलते हैं इसको, अर्थक्वेक आया था, तो चाइना की भी बहुत ज़्यादा उन्होंने मदद की थी, चाइना की भी बहुत ज़्यादा हेल्प की थी, तुर्की की बहुत ज़्यादा हेल्प की, इवन ऑपरेशन दोस्त वहाँ पर चलाया। अगर यहाँ पे ये डिक्लाइन में है तो आप किस तरह कह सकते हैं कि दूसरे ममालिक के अंदर डेमोक्रेसी जो है इज राइजिंग और फल फूल रही है? इट इज नॉट पॉसिबल। दूसरा इसके साथ सबसे बड़ी अटैच चीज ये होती है रेट ऑफ लिटरेसी, कि जो लोग आपके वोटर हैं उनकी उनकी तालीमी सतह क्या है, क्या उन्हें पता है कि व्हाट इज लेजिस्लेशन, लेजिस्लेशन क्या है, लोग ये जाके किस तरीके से हमारी किस्मतों के फैसले करेंगे। वहां पे फिर लोग ये करते हैं कि एक एक प्लेट बिरयानी के लिए, एक एक विस्की की बोतल के लिए फिर वो दे देते हैं, वोट अपने बेच देते हैं। तो ये उसमें अच्छा, उसमें अब जो मैं बात कर रहा था कि इस वक्त भारत के अगर तरफ देखा जाए तो भारत कैन नॉट अफोर्ड इस वक्त के मोदी साहब जो है वो इलेक्शन लूज करें, क्योंकि उसकी वजह ये है कि तरक्की का सीक्रेट ही इस वक्त भारत का जो है वो भारतीय जनता पार्टी की एक स्ट्रॉन्ग मेजोरिटी इन द सिस्टम। और इस वक्त मैं ये समझता हूं कि मोदी साहब की पॉलिसीज दे आर वर्किंग फॉर इंडिया। इनकी जो टोटल सीक्रेट है इस वक्त, जो पिछले इसके कई पिछले प्राइम मिनिस्टर थे उनको भी मैं कंट्रीब्यूट करना चाहूंगा, उनका भी इसमें बेशक, मनमोहन सिंह साहब का रोल भी है कांग्रेस में, क्योंकि ही वाज इकोनॉमिस्ट और ही वाज अ मैन ऑफ कैरेक्टर एट द सेम टाइम। और दूसरा मैं समझता हूं कि भारत की तरक्की के अंदर वाजपेयी देसाई और जिस तरीके से पिछले उनके थे प्राइम मिनिस्टर, उनको भी मैं क्रेडिट देना चाहूंगा, क्योंकि नेशनलिस्ट थे वो, बिल्कुल पाकिस्तान की तरह लंदन बेस्ड नहीं थे वो, भारत बेस्ड थे। और